हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बैक भोजन तृप्ति। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बूंदी का रायता, शादियों वाला हलवा स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ एक घर का बना हुआ एक कटोरी दही। फ्रेश दही मैंने लिया है, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा ऐड किया है पानी, और आप चाहें तो छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट का दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर का था तो मैंने घर का यूज़ किया है। सो मैं यहाँ पर लूँगी एक कटोरी बूंदी, ये मार्केट वाली है। मैं कभी भी बूंदी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो यह बूंदी मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है बूंदी। काफ़ी लोग गुनगुने पानी में भी यूज़ करते हैं डालकर फिर निकाल कर, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है तो मैं इसी में डायरेक्टली यूज़ करूँगी, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ कटे हुए धनिया, यहाँ पे मैंने कुचला हुआ पुदीना, ये लिया है मैंने यहाँ पर पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च। इसको हम तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यहाँ पे हमने इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ हमने अच्छे से तीनों को मिक्स कर दिया है। इसका पुदीने का फ्लेवर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा आता है, बहुत यम्मी लगता है। सो यहाँ पे हमने लिया एक पैन, पैन हमने गरम करने रख दिया है, जिसको रोटी वाला तवा रेगुलर जो यूज़ करने वाला होता है वो। इसको हम फ्लेम को, गैस की फ्लेम को हम रखेंगे स्लो, और स्लो पे हम इसको भूनेंगे। एक चम्मच जीरा लिया है मैंने, एक चुटकी हींग ली है, और इसको हम जीरा चटकने तक अच्छे से अलट पलट कर हम भूनेंगे। और जैसे ही अच्छे से भून जाएगा, जैसे जीरा चटक जाएगा और अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसको निकाल कर क्रश कर लेंगे। सो लेट्स सी कि हमारा जीरा अभी भून रहा है। सो देखिए हमारा जीरा भून गया है। सो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने रोटी बेलने वाला चक्का है, इसको उस पर मैंने इसको रखा है, और इसको बेलन से हमें धीरे धीरे क्रश करना है। जैसे मैंने ऐसे क्रश किया है जिससे ये मोटा मोटा रहेगा और क्रश भी हो जाएगा अच्छे से। तो ऐसे ही हमें 3 से 4 बार ऐसे प्रोसेस करके हमें क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद हम इसको रायते में ऐड करेंगे, इसको हमें लेना है और रायते में ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ रायते में ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लेंगे आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून, इसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लिया है मैंने हाफ टी स्पून काला नमक। सो यहाँ पे हम काला नमक ऐड करेंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, किसी को ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, आप वाइट वाला नमक ही यूज़ करें, बट यहाँ पे काला नमक मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत यमी होता है। सो आप एक बार अगर जो लोग पसंद करते हैं वो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून लिया है वाइट वाला नमक। यहाँ पे मैं लूँगी एक हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। सो मैंने इन तीनों को मिक्स किया है अच्छे से। सो देखिए मुझे अच्छे से ये अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी, तो आप शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से चला देना है, मिक्स कर देना है, और इसको बाद हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने। तो ये हमारा रायता बनकर रेडी है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पराठे के साथ यहाँ सर्व किया है, ऑनियन और स्वीट के साथ में। सो आप पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मोर डिलीशियस फूड के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।